नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बेसिकली आप फिगर देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की फिगर कुछ इस तरह से होती है। ये हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो चलिए रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। वो एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच ऑपोज रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से समझा सकते हैं कि कोई भी आपका केबल है उसमें से ऑपोज करता है, किसी को भी ऑपोज करता है करंट को, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप में से पूरे पूरा वाटर फ्लो होगा। पर हम बीच में से इसे बेंड कर लेंगे तो इसमें से कम फ्लो होगा। तो ये हमने जो भी बीच में से बेंड किया उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस की फिगर कुछ इस तरह से होती है। वर्क ऑफ रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या करता है, तो करंट को रोकने का काम करता है। और यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस का एकम है ओम, और हम देख सकते हैं एम्पियर को वो रोकने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारी टैंक है, और यहाँ से हम कंडक्टर में से जैसे कि पानी आता है पाइप में से, तो कंडक्टर में से पानी आता है। तो ये हमारा जो भी नल हुआ तो उसका काक हमारा रेजिस्टेंस हुआ, हम जितना रखना चाहे रख सकते हैं और इस हिसाब से हमारा पानी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बैटरी है, और हमारा बल्ब ग्लो करने के लिए हमें एक तार लगाया है। यहाँ पर तार जो भी है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी हीट में फ्लो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही रेजिस्टेंस है, इसलिए हमारी एलईडी ग्लो बहुत होती है। यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है इसलिए एलईडी कम ग्लो होती है। रेजिस्टेंस का मेन यूज़ इसलिए है कि जब भी आपके पास कोई भी साधन हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, तो वो ब्लो ना हो जाए, विस्फोट ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर एलईडी में जब भी बैटरी का पूरे पूरा प्रवाह आएगा तो ये ब्लो हो जाएगा, इसलिए हमने रेजिस्टेंस लगाया है। और हम लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हम डिम लाइट दे सकते हैं, और ये फ्लो को रोकने का काम करता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस वर्क किस तरह से करता है। जब भी नो रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, लेस रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत होगी, और मोर रेजिस्टेंस होगा तो बहुत सारी दिक्कत होगी। तो रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकने का काम करता है। उसका सिंबल क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सिंबल। यहाँ पर रेजिस्टेंस का हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, रो एल अपन ए। यहाँ पर एल है जो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कोई भी मेटल की फिक्स होती है, वो मेटल की होती है, कोई भी मटेरियल की होती है, वो रेजिस्टेंस और दोनों सेम नहीं होते। रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटल में उसकी लेंथ और एरिया के हिसाब से कम बढ़ सकता है, पर रेजिस्टिविटी है वो केबल कोई भी हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो उसमें पहले से ही होती है, वो उसकी फिक्स होती है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जब भी लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस
घट सकता घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए घटेगा। यहाँ पर आप देख सकते सिंबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस को अपोज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, और रेजिस्टिविटी क्या करती है कि वो मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। वर्क ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, और रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चार्ट है। तो R इज इक्वल टू वी अपन आई ओम्स लॉ की मदद से, अदरवाइज वी स्क्वायर अपन पी, अदरवाइज पी बाय आई स्क्वायर, जो भी हो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।